हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज है संडे और मैंने जो था आप सभी लोगों के साथ कल वीडियो शेयर की थी, उस वीडियो में से मैंने जो है कुछ कमेंट्स जो हैं लिए हैं आप लोगों के। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ ज़रूर से कर देना। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी जो है सभी कमेंट्स के ऊपर है, जो मैंने आप सभी लोगों के कमेंट्स दिए हैं वीडियो के अंदर से। तो इस वीडियो को जो है चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो है कि सबसे पहले मेरा टॉपिक है, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन जो यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो मैंने ये सिलेक्ट किया है कि आप लोग जो है चंदन के पौधे कैसे उगा सकते हैं। तो उसका जो है सारा जो भी प्रोसेस है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, और सभी जो है अच्छे प्रकार से उसको समझने के बाद में आप भी अपने घर पे पौधे उगा सकते हैं। तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बने रहे वीडियो में लास्ट तक। और जो है इसमें जो है अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो है थोड़ा आगे पीछे हो सकता है मेरे बोलने में जो है यहाँ पे, क्योंकि वीडियो पहला रिकॉर्ड हो चुकी थी, तो वहाँ पे जो मैंने बाद में चेक करा तो माइक हटा हुआ निकला, और फिर उसके बाद में जो था फिर मैंने ऐसा करा कि मैंने वॉइस ओवर बाद में जो है कर दिया। तो इसके बाद जो है थोड़ा सा वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो है अपने चंदन के पौधे उगाने के लिए सबसे पहले बीज को जो है जर्मिनेट करने के लिए उसको थोड़ा रेडी करना पड़ेगा। रेडी करने के लिए उसको ऐसा है कि आपको जो है पानी ले लेना है बर्तन के अंदर किसी भी, उसके अंदर जो है पानी भरने के बाद में उसमें आपको बीजों को डाल देना है। जब आप उसके अंदर बीज जो है डाल देंगे, बीज डालने के बाद में जो है आपको उसका जो है लगभग 24 घंटे के लिए आपको उसमें भिगोए रखना है। जो बीज आपके ख़राब हो जाते हैं वो बीज जो है आपके ऊपर रह जाएंगे, और जो है आपके सही वाले बीज नीचे चले जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि सबसे पहले जो है आपके जो है लगभग 2-3 घंटे में जो है सभी बीज ज़्यादातर ऊपर ही रहते हैं, फिर ऐसा है जब थोड़ा जो है फिर जो है बीज जो है आपके जो है नीचे बैठ जाएंगे, तो आपके जो बीज हैं वो फिर आप उसको अंदर से जो है अपने बीजों को जो है निकालने के बाद में, जब आप उसके अंदर से बीज को निकाल लें उसके बाद में आप किसी भी टिश्यू पेपर के जो है माध्यम से उसको जो है बीजों को थोड़ा सुखा लें। बीज जो है आपके जब थोड़ा सूख जाएँ उसके बाद में जो है आप उसको थोड़ा 5-10 मिनट के लिए थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा उसका पानी सूखने के लिए उसको रख देंगे। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ऊपर का जो छिलका होता है वो पानी की वजह से जो है उसका थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, जिससे कि जर्मिनेशन जो टाइम है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो इसके लिए जो है आप उसको पानी में ज़रूर से भिगोएं। तो और जो बात ये है हमारी कि इसको जो है ज़मीन पर जब आप उसको दबाएँ तो थोड़ा मिट्टी को जो है फैलाने के बाद में मिट्टी को थोड़ा हाथ से थोड़ा नीचे की तरफ जो है उसको प्रेस कर दें, जिससे कि आपका बीज जो है ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगा और आपकी मिट्टी के ऊपर रहेगा, तो आपका जो बीज है वो काफ़ी अच्छे प्रकार से जर्मिनेट हो सकेगा। तो बीज को सभी को जो है एक लेवल के आधार में जो है बिखेरने के बाद में उसको बीज को सबको बिखेरने के बाद उसके ऊपर जो है आपको रख देना है बोरी वगैरह, और उसको बोरी में सुबह शाम में जो है आप उसमें पानी डालिएगा। और क्योंकि ऐसा भी होता है कि अभी जो है बहुत से लोग नए नए जो लोग हैं वो जो है बीज उगाते हैं तो उनके जो पौधे होते हैं उसमें फंगस लग जाता है, तो उसके लिए कोई भी जो फंगिसाइड किसी भी कंपनी का जो है ज़रूर से आप उसमें यूज़ करें, जिससे कि आपका पौधा जो है फंगस के साथ में जो है ना आए, और उसकी जो चपेट में आने की वजह से पौधे ख़राब हो जाते हैं वो उससे जो है आपके पौधे बच जाएं। और जो है पौधे को जो है जर्मिनेट करने का समय होता है मार्च से लेके, और इस समय जो सितंबर महीना जो चल रहा है तो इस मंथ में भी जो है आप पौधों को जर्मिनेट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है निकल के अगर बूट के ऊपर। तो बेसिकली अगर बूट के जो लकड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा है तो उसका रेट काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इसलिए जो है अभी अगर बूट जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में जो है यहाँ पे चल रहा है, तो इसलिए जो है अगर बूट को भी लगाना बहुत ज़्यादा जो है पसंद कर रहे हैं लोग। तो इसलिए जो है मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अगर बूट बहुत से लोगों ने लगा रखा था और काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रोथ तेज़ी से होने के कारण उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा होती है हमारी जो है मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उसकी कमी हो जाती है। अगर आपका पौधा ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर लेता है उसके बाद में जो उसको फिर जो है आपको उसकी मिट्टी से जो पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो उसकी जो लीफ है यानी कि पत्तियां हैं उनका कलर पीला जो है होने लगता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है आप उसमें कूड़ी का खाद ज़रूर से उपयोग में लें, और कूड़ी का खाद जो है आप जब भी तैयार करें तो उसमें जो है कूड़ी का खाद लें, और उसमें जो है आप थोड़ा सा यूरिया मिलाने के बाद में उसको थोड़े समय के लिए रख देंगे तो उसमें जो बारीक बारीक से जो दाने वो उसके अंदर आ जाएंगे, जैसे कि यूरिया टाइप वो आपका बन जाएगा, जैसे कि DAP वगैरह होता है
उस प्रकार से होने के बाद में जब आप उसको यूज़ में लेंगे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। और जो उसके बाद में जो है हमारा अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है आने वाला है, चंदन के पौधे जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं जो गोल लाइन में चल रहे हैं इस समय, तो उसका जो है अभी हमारा जो पौधा है सीधा नहीं चल पा रहा काफ़ी ज़्यादा। तो जो है आप लोग जो है अपने जो चंदन का है उसको थोड़ा सा साइड से जो है कट करते रहें। उससे कट करने से क्या होगा, आपका एक तो हार्डवुड ज़्यादा बनेगा, क्योंकि हार्डवुड कम बनने का भी शिकायत जो है आ जाता है। अगर आप अपने पौधे को जो है उसके जिसका जैसे क्या चंदन का जो नेचर है वो थोड़ा सा फैल कर चलने का है, तो अगर आप उसको जो है अपने हिसाब से यानी कि सीधा चलाएंगे तो उसमें हार्डवुड ज़्यादा बनेगा। तो इसलिए मैं आपको बता दूं थोड़ा थोड़ा उसको जो है ब्रांचों को कट करते रहें, उससे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा और पौधे की ग्रोथ भी बहुत जल्दी से जो है आपका पौधा डेवलप होगा और हार्डवुड भी जो है उसमें थोड़ा सा जो है थोड़ा समय पहले से जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर है। तो इस हेलो गाइस, चंदन के अंदर एक प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि हमारा जो है बारिश के कारण जो है यहाँ पे जो है थोड़ा अभी चंदन के पत्ता जो है उसका कलर पीला हो रहा है और चंदन के पत्ते जो है नीचे गिर रहे हैं। तो उसके लिए मैं बता दूँ, चंदन के जो पौधा है उसके चारों तरफ जो थोड़ा मिट्टी जो है लगा दें साइड से, उससे ये होगा कि आपका जो पानी है थोड़ा जड़ के अंदर कम जाएगा और पत्ते काफ़ी अच्छे प्रकार से फिर दोबारा से आपके पौधे पर लग जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।